हेलो, वेलकम टू IMS। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हमने है ना, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है सिंपल, सीधी सिंपल में इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो डायरेक्ट। एक कोई भी बिल्डिंग है, अपने कोई भी काम है, उसको खत्म करने के लिए अपने एकदम सही सिस्टमेटिक तरीके से उसको ठीक कर, उसको काम कारगर बनाने के लिए अपन उस बिल्डिंग के है ना जो काम है उसको ब्रेक कर देते चीजों के अंदर। जैसे कि पहले बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? एक्सकेवेशन होना चाहिए, फाउंडेशन, फिर सब स्ट्रक्चर, फिर सुपर स्ट्रक्चर, अपना सुपर स्ट्रक्चर हो गया, फिर सैनिटरी वाटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिनिश हो गया। अब एक्सकेवेशन को भी अपन बिल्डिंग को इतने में डिवाइड कर दिया भाई, बिल्डिंग इन चीजों से बनती है। अब इसको ब्रेक कर, दोबारा इसको ब्रेक कर देंगे भाई, एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन किससे बनता है? इसको ब्रेक कर दे, अपने साइट क्लियरेंस से बनता है एक्सकेवेशन, होता है इनडिटरमिनेट ट्रीटमेंट होता है उससे एक्सकेवेशन। ये सारे लेवल्स को क्लियर करने के बाद एक्सकेवेशन हो जाएगा। वो चीज फाउंडेशन में भाई कंक्रीट, लीन कंक्रीट, मेसनरी लगती है, फिर डीपी से लगती है, फाउंडेशन हो जाती है। सुपर स्ट्रक्चर में अपने चिनाई आती है, वो अपने शटरिंग आती है, बहुत सारी चीजें आती है अपने सुपर स्ट्रक्चर में, वहां पर ये हो गया लेवल। सैनिटरी वाटर में देखा अपने जो वाटर की जो पंपिंग के हिसाब से है भाई, अपने वाटर की कहाँ लग रही है, ये सब चीजें अपने क्या है। जैसे कि अब एक्सकेवेशन, मैंने जैसे अभी लेस्टेड बताया था, ये अपना एक्सकेवेशन का काम है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है साइट डिटेल, है ना, साइट लेवल डिटेल के अंदर, इसके अंदर क्या है, लेवल्स आ गई। लेवल सबसे पहले अपने पास क्या है, फाउंडेशन लेआउट्स आ गई अपने पास। फाउंडेशन लेआउट्स के साथ साथ अपने पास यहाँ पे ये देखो, ये फाउंडेशन लेआउट है अपने पास। यहाँ पे अपने पे यहाँ पे हर चीज का ब्रेक कर रखा है भाई। यहाँ पे अपने फाउंडेशन कैसे दिखेगी भाई? अपने जो फाउंडेशन है, जो कॉलम है ना अपनी, ये फाउंडेशन है अपनी, सिंपल लैंग्वेज मंगा लो तो अपनी, अगर ये फाउंडेशन है ना तो अपने ब्रेक कर दे, अपने इसको सेक्शन कर दे। अपने पास यहाँ पे फाउंडेशन आ गई, ये इसके ऊपर अपने ये लगा दिया कॉलम इधर की साइड, तो ये अपने वर्क ब्रेकडाउन के अंदर आ जाता है, अपने चीजों के अंदर छोटा कर देना, ठीक है। तो सैनिटरी वर्क्स के अंदर अपना ये, सैनिटरी वाटर के अंदर अपना ये, वो क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अपना ये चीज होती है ना, फाउंडेशन के अपनी ये चीज होती है। फिर इलेक्ट्रिकल आ गया, इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है, हर फ्लोर के अपनी इलेक्ट्रिकल होती है, अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिकल होती है, कितनी शटरिंग इलेक्ट्रिकल हो गई है ना, फिर अपने वॉल्स की इलेक्ट्रिकल हो गई, एसी के कंड्यूट कहाँ देने हैं, एसी कहाँ लगाना है, इसके पाइप्स किस किस साइज में होंगे, मतलब किस डिस्टेंस तक जाएंगे, वायर्स अपने कहाँ कहाँ लगने हैं, ये सब चीजें अपने इलेक्ट्रिकल के अंदर रहती है, ठीक है। फिर लास्टली अपने पास बता है फिनिशेज। फिनिशेज के अंदर अपने एक्सटीरियर का भी आ जाता है, रूफ का भी आ जाता है, इंटीरियर आ जाता है, प्लास्टर, फ्लोर, पेंटिंग, सब अपने पास। अब ये इन सबको मिला के बनता है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अपन ब्रेक कर दें तो अपने को ब्रेक करने के लिए, इस काम को अपन ब्रेक करें तो ये ब्रेक करने के बाद अपने पास ये चीज आती है भाई। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ये पांच चीजें चाहिए होती है अपने को मेनली में, है ना, ये पांच चीज अपने को मेनली चाहिए। इन पांचों में हर एक चीज को करने के लिए क्या चाहिए, एक कोई लेवल चाहिए, इसका कोई लेवल चाहिए, इसका कोई लेवल चाहिए, और इसका कोई लेवल चाहिए, हर चीज का लेवल चाहिए अपने पास, हर चीज का अपने को काम ब्रेक कर दिया, इसको अपन कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन प्रोसेस, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो हो गया समझने वाली बात। अब कुछ लिखने का है ना, लिखने के हिसाब से भाई, टेक्निक एस्टेब्लिश द है ना एडोट हिस्टोरिकल ऑर्डर टू सिस्टम बाय द ब्रेकिंग द प्रोजेक्ट इनटू इट्स रिकॉग्नाइजेबल सिस्टम सब सिस्टम डिक्रीड एक्टिविटीज इन ए सिस्टम ब्रोकन डाउन टू सब सिस्टम इन ईच सब सिस्टम इनटू मेजर कंपोनेंट सो ऑन breakdown is continued till the system is reduced to component and the activities representing manageable unit for the planning। अब ये कह रहा क्या है कि भाई अपने कोई भी काम, अपने जो establish techniques उसको establish किया जाता है अपने एक historical order के अंदर भाई, पहले उसका system, फिर उसके सब system, फिर उस system के ना discrete activities। अब मतलब अपन एक प्रोजेक्ट को जब तक उसको ब्रेक करते हैं, जब तक उसको ब्रेक करते हैं तब तक कि वहां पे हर एक प्रोजेक्ट का ना अपना मैनेजेबल तरीके से काम हो जाए, है ना, तब तक उसको ब्रेक करते हैं अपन, वो अपना होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है। अब मैं क्या है वो भी साथ में दूंगा, नोट्स भी साथ में होंगे, तो नोट्स इसके नीचे मिल जाएंगे वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे सिंपल से ये अपना क्या है, अगर आपको कोई 8 नंबर का क्वेश्चन आए, अगर 2 नंबर क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे बता दें भाई, अपने जो कोई भी काम होता है उसको ब्रेक करना चीजों के अंदर भाई, इसको सिस्टम में करना, सब सिस्टम के अंदर करना, फिर उसको मेजर कंपोनेंट्स को उनको अलग करना, फिर उसके अंदर उससे चीजों को और तोड़ते जाना, ताकि ऐसे पॉइंट तक आ जाए कि भाई वो पॉइंट से अपना काम क्या है एकदम आराम से हो जाएगा भाई। पहले वो पॉइंट करो, फिर उस पॉइंट के बाद दूसरा लेवल करो, फिर उसके बाद दूसरा लेवल। जैसे मूवी है द मार्शियन करके नाम है ना, मार्शियन के अंदर, द मार्शियन मूवी के अंदर लास्ट में एक उसका डायलॉग होता है जो बहुत बढ़िया होता है इस चीज के लिए, कि भाई
लास्ट में वो मार्स में अटकता है, तो उसमें ऐसा होता है कि उसका एक डायलॉग ऐसा होता है कि भाई जब आप ऐसे जगह पे रहते हो, मतलब ऐसे उस एनवायरनमेंट में रहते हो, तो आपको लगता है वो हर चीज़ आपको मारेगी, लेकिन फिर आप दिमाग चलाना चालू करो, पहले आप पहली प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर आप पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जाएगा, घर पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ इसके अंदर होती है, पहले आप एक चीज़ सॉल्व करो फिर दूसरी चीज़ होती है, वो वर्क ब्रेक डाउन के अंदर थी। उसने पूरा मेजर वर्क, उसका मर्क था क्या था, उसको घर जाना था, है ना। उसने क्या किया, हर एक चीज को ब्रेक किया, चीजों को, भाई इसको पहले करने के लिए पहले मेरे को सांस लेना जरूरी है, वाटर लिक्लिमर चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पेड़ पौधे चाहिए, उसको सारी चीजें, उसने हर एक चीज का वर्क ब्रेक डाउन किया, फिर वो उसका ठीक हो गया, बच गया, है ना। तो वह वही सिस्टम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर अपन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वीडियो को यहाँ पे अपनी एंडिंग हुआ, नेक्स्ट वीडियो अपन नेक्स्ट डे लेंगे, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।